be with us for better understanding. हेलो फ्रेंड्स, आज हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि इन ए पैरेलल ग्राम ए बी सी डी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड सी डी। तो यहाँ पर ए बी और सी डी के मिड पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं एफ और ई को। क्लियर। अब हमें शो ये करना है कि ए एफ एंड ई सी, ए एफ यहाँ से ए एफ है और ई सी, ये ई सी ट्राइसेक्ट द डायगनल। यहाँ पे डायगनल बी डी जो है, ये इस बी डी ट्राइगनल को, डायगनल को ट्राइसेक्ट करते हैं, मतलब तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ये पार्ट्स हो जाएंगे बी क्यू, पी क्यू एंड डी पी। तो ये यही हमें यहाँ पर प्रूव करना है। तो देखिए, इसकी बिगिनिंग कहाँ से करेंगे और कैसे ये सोल्व होगा क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करेंगे, एक ट्रायंगल ये लेंगे हम, ए बी और पी, और दूसरा ट्रायंगल हम ऊपर की तरफ से लेंगे ये वाला, सी क्यू और डी, सी क्यू और डी। इन दोनों ट्रायंगल में हम दोनों ट्रायंगल को एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, और जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे तो इनके जो पार्ट्स हैं बी क्यू, पी क्यू और डी पी, ये सब इक्वल प्रूव हो जाएंगे। तो इसके लिए पहले हमें मिड पॉइंट थ्योरम की हेल्प से ये जो पॉइंट्स हमने लिए हैं, तो ई सी को और पी क्यू को, यहाँ दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, ई सी, ई एफ, पी एफ, इनको आपस में ए ई और सी एफ, यहाँ पर ए ई है, ये ए ई और ऊपर से सी एफ, इन दोनों को पहले हमें इक्वल और पैरेलल प्रूव करना पड़ेगा। तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं। सॉल्यूशन, ई इज मिड पॉइंट ऑफ, देखिए ई किसका मिड पॉइंट है, ए बी का, ऑफ ए बी। सो ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सो यहाँ ई जो है मिड, ए बी का ई मिड पॉइंट है, तो इससे क्या प्रूव कर देंगे हम कि ए ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। जो ए ई है वो हाफ ऑफ ए बी है, हाफ ऑफ ए बी। इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो ए बी का क्या रहेगा, हाफ रहेगा, बिल्कुल, पहली बात। सेकेंडली, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी। यहाँ देखें, एफ जो है सी डी का मिड पॉइंट है, सो हम कह सकते हैं कि सी एफ जो है वो सी डी की हाफ रहेगी। ये क्यों, ये को हम इक्वेशन नंबर 2 रख सकते हैं। यहाँ से हमें देखिए, हमें पता ही है कि ए बी जो है सी डी के इक्वल है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, तो ए बी जो है वो सी डी के इक्वल होना ही होना है। देन हम कह सकते हैं कि हाफ ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। और ये अगर ऐसा है तो देखो, ए बी के इक्वल में ए ई है और सी डी के इक्वल में सी एफ है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ए ई, ए ई जो है, या हम ऐसे कहें, ए ई को छोड़ें, हम यहाँ पर लेकर आएंगे सी एफ जो है, सी एफ ये वाला, सी एफ इज इक्वल टू, क्योंकि देखिए यहाँ पे सी एफ जो है हाफ सी डी का हाफ है, तो ये इसके इक्वल भी हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि सी एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, और यहाँ हम रीजन डालेंगे एज ए बी इज इक्वल टू सी डी।
तो ए बी जो है इक्वल टू सी डी के है, हाफ ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू सी डी, तो सी डी के इक्वल है तो सी एफ जो है सी डी के इक्वल हो गया यहाँ पर हाफ ऑफ सी डी के, तो सी एफ किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ ए बी के भी इक्वल हो जाएगा, ये हम यहाँ पर रख लेंगे। ये भी इक्वेशन नंबर टू को ही रखते हैं हम यहाँ पर। अब इसे इक्वेशन नंबर टू दे देंगे हम इसकी बजाय, क्योंकि नीचे जाके हमने ज़्यादा प्रूव किया है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर टू यहाँ पर रख देंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू से, तो वन क्या कह रही है कि ए इज इक्वल टू हाफ ए बी, हाफ ए बी, और हाफ ए बी इज इक्वल टू हाफ सी डी, एंड हाफ सी डी इज इक्वल टू सी एफ। सो हम कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू सी एफ, ऑल्सो ए इज पैरेलल टू सी एफ, ये भी हम यहाँ पर कह सकते हैं, क्योंकि जब ए जो है सी एफ की हाफ है, ए सी एफ की हाफ भी है, और ए बी की हाफ है ए ई, तो सी डी की हाफ है सी एफ, दोनों हाफ हो गए, इक्वल हो गए, तो पैरेलल भी हो गए, ठीक है। और इसको हम कैसे लिखेंगे कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, गॉट इट, ओके। नाउ दैट इज व्हाई हम कह सकते हैं कि ए ई सी एफ, अब यहाँ पर हमने ऑपोजिट साइड्स जो है उनको पैरेलल प्रूव कर दिया, ए ई को सी एफ के पैरेलल प्रूव कर दिया, इट मीन्स ए ई सी एफ जो शेप बनी हमारी ए ई सी एफ, ये शेप इज ए पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम हो गया। सो यहाँ से देखिए ए एफ इज पैरेलल टू ई सी, ए एफ देखो ध्यान से, ए एफ ये वाला और ई सी ये पैरेलल है। अगर हमने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया ए ई सी एफ को, तो इट मीन्स यही है कि ए एफ जो है ई सी के पैरेलल होगा। लिखेंगे रीजन यहां पर ऑपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये यहाँ पर हम रीजन कर रख देंगे। चलिए अब हम यहाँ करते हैं कि इस लाइन को लेकर आएंगे, इस फिगर को नीचे लेकर आते हैं, चलो इस फिगर को नीचे लाएंगे ताकि आगे की चीज़ें हम यहाँ से प्रूव करेंगे, ओके। अब ध्यान दीजिए, हमने ए ई सी एफ को यहाँ पर पैरेललोग्राम प्रूव कर लिया। अब हम आगे चलते हैं ट्रायंगल्स की तरफ, और इससे हमें एक चीज़ और पता चल रही है कि ए एफ पैरेलल टू ई सी। यहाँ से अब आगे चलते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी पी, ध्यान दें ए बी पी पर ध्यान दें। अब चलो मैं मिटा देता हूँ पहले, ए बी पी ट्रायंगल ए बी पी में ध्यान से देखेंगे अब हम। देखो एक तो ये बन गया हमारा ट्रायंगल था, ट्रायंगल ए बी पी की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर ये ए बी पी, इस ट्रायंगल ए बी पी में हम बात करेंगे ई पी, सॉरी ई जो है यहाँ पर ये पॉइंट ई, ई इज मिड पॉइंट ऑफ
ए बी, ये हमें पता ही है. सो ई क्यू विल बी इक्वल टू ए पी, ना सॉरी इक्वल नहीं पैरेलल, ई क्यू जो है वो पैरेलल होगा ए पी के. ये वाला ये ए पी के क्या हो जाएगा, पैरेलल होगा. सो बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम वी कैन से दैट क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ बी पी. ये बात यहाँ पर हम प्रूव कर देंगे. इस ट्राइंगल में हमने प्रूव किया कि ई क्यू जो है वो पैरेलल है ई पी के. ये कैसे है, क्योंकि हमने पैरेलोग्राम प्रूव किया है ई सी एफ ए को, या ए ई एफ सी को हमने पैरेलोग्राम प्रूव किया था. तो इसलिए आमने सामने की साइड इसमें पैरेलल होंगी, इसीलिए ई क्यू जो है पैरेलल है ए पी के. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. सो देन बी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू. अब यहाँ ध्यान दो, ये जो क्यू क्यू पॉइंट आ गया ये इस बी पी लाइन का, बी पी जो लाइन सेगमेंट है इसका मिड पॉइंट बन गया है. सो मिड पॉइंट बनने से हुआ क्या कि बी क्यू और पी क्यू दो आपस में क्या बन गए, इक्वल पार्ट्स बन गए. ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे इसको. इसके बाद बात करते हैं हम इन ट्राइंगल डी क्यू सी. डी क्यू सी ध्यान से देखें, डी क्यू सी को मैं यहाँ से ये वाला ट्राइंगल अब हम देख रहे हैं, है ना, ऊपर की तरफ ये जो ट्राइंगल है इस पर ध्यान दें. एक मिनट प्लीज. इन ट्राइंगल डी क्यू सी में एफ इज, ध्यान दे देखो, एफ एफ पॉइंट ही रहा, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी. सी डी लाइन का मिड पॉइंट है, ये गिवन है, इसमें हमने कुछ नहीं करना, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है. सो पी एफ इज पैरेलल टू क्यू सी. पी एफ जो है, पी यहाँ पर है पी, ये पी एफ इज पैरेलल टू क्यू सी. क्यू सी ये है, इस लाइन के पैरेलल होगा. और बाय कन्वर्स ऑफ, अब जब इस ट्राइंगल की बात हम कर रहे हैं तो इसमें ये दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो गई, तो एक लाइन जो है छोटी वाली इसकी हाफ होगी. सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम वी कैन से पी इज मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू. ये डी क्यू लाइन जो है इसका मिड पॉइंट हो जाएगा पी. ओके, दैट इज वाई पी क्यू विल बी इक्वल टू डी पी. अगर इसका डी क्यू लाइन का जो मिड पॉइंट क्यू पी है, तो पी है तो ये दो पार्ट्स में इक्वली डिवाइड हो गया. ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 आ जाता है. बस हो गया ऑलमोस्ट. हमने यहाँ पे किया बी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू और पी क्यू इज इक्वल टू डी पी. सो हम लिख सकते हैं कि बी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू डी पी एंड हिंस इट इज प्रूव्ड. इसका हम आंसर लिखेंगे कि ए एफ है ना, दिख रहा है, ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट्स, ये यहाँ पे वर्ड यूज करना है, ट्राइसेक्ट्स डायगोनल ए डायगोनल बी डी. बी डी को ट्राइसेक्ट करते हैं, थ्री इक्वल पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड करते हैं. ये यहाँ पर प्रूव हो गया. चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ.